हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इनकम टैक्स गुरुकुल में। फिर से अभी तक हमने सिर्फ पढ़ा था कैपिटल गेन टैक्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कैपिटल एसेट की डेफिनेशन समझ लिया था। उसके बाद लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो कैपिटल गेन होता है उसके बारे में हमने देखा। तो आज दोस्तों, जो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, मोस्टली पीरियड ऑफ होल्डिंग की। एक कैपिटल एसेट को हमने परचेज किया, उसको सेल करने का बीच का जो टाइम है, पीरियड ऑफ होल्डिंग, वो कितने टाइम का था, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। इट्स अ वेरी 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 इजी थिंग और बहुत ही इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की है नहीं। मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन करके, और उसके बाद हम कुछ देखेंगे कि ट्रांसफ़र, क्योंकि हमें कैपिटल गेन टैक्स का जो जनरल प्रोविजन है सेक्शन 45 के अंदर, कि कोई भी एसेट कैपिटल गेन टैक्स का भी अराइज हो जब एक कैपिटल एसेट एक ट्रांसफर हो। तो आज हम ट्रांसफर की डेफिनेशन पढ़ेंगे और होल्डिंग पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो डिटर्मिनेशन ऑफ होल्डिंग पीरियड, होल्डिंग पीरियड का आपको पता चल गया होगा कि जब ने आपने कोई एसेट परचेज की और कब आपने सेल करी। मान लो कि आपने एसेट 1 जन 2020 को परचेज किया और उसको आपने नेक्स्ट ईयर, मान लो कि 1 फेब 2021 को सेल किया, तो उसके बीच का जो पीरियड है, 1 ईयर 1 मंथ, जितना भी पीरियड है उसको होल्डिंग पीरियड बोलते हैं। तो उस होल्डिंग पीरियड के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर मान लो कोई कंपनी लिक्विडेशन में है और उसने शेयर्स हेल्ड किया लिक्विडेशन में, तो उसके अंदर मान लो मैं एक कंपनी का नाम है एक्स वाई लिमिटेड और एक शेयर होल्डर का नाम है पी। उसने एक कंपनी के शेयर 1 मार्च 2020 में खरीद लिए, परचेज कर लिए। अब वो कंपनी होगी लिक्विडेट, और लिक्विडेट कब होगी? 1 मार्च 2020 में खरीदे थे, लिक्विडेट हो गई 31 दिसंबर 2020 में, लिक्विडेट हो गई। और लिक्विडेट होने के बाद उसको कुछ शेयर्स मिलेंगे दूसरी कंपनी लिक्विडेशन के बाद, या लिक्विड होने के बाद कुछ भी उसको शेयर्स मिलेगा, तो शेयर्स मिलने का होल्डिंग पीरियड कहाँ से? तो होल्डिंग पीरियड के अंदर लिक्विडेशन से पहले का जो टाइम है, पीरियड सब्सिक्वेंट लिक्विडेशन इज टू बी एक्सक्लूडेड, वो हमें हटा देना है। ठीक है, अगर मान लो कोई एसेट एक एसएससी की प्रॉपर्टी बन जाती है, कोई भी एसेट 49(1) के थ्रू, तो कोई भी एसेट प्रॉपर्टी बन गई एसएससी की, तो जिस पीरियड के अंदर कैपिटल को, कोई भी कैपिटल एसेट को हेल्ड किया था प्रीवियस ओनर ने भी, एक ओनर ने उसको होल्ड किया और 49(1) के अंदर उसकी प्रॉपर्टी बन गई, तो उसके अंदर पहले वाला पीरियड भी इंक्लूड होगा। मान लो कि एक कंपनी है जो स्टॉक इन ट्रेड है, उसके पास स्टॉक इन ट्रेड है और उसने उसको कन्वर्ट कर दिया कैपिटल एसेट में, तो कैपिटल, देखो स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट किया, तो कैपिटल गेन तो अराइज नहीं होगा, क्योंकि कैपिटल गेन अराइज होने के लिए कैपिटल एसेट का होना जरूरी है। तो शुरू में स्टॉक इन ट्रेड था बट बाद में बन गया वो कैपिटल एसेट। अब उस कैपिटल एसेट को मान लो कि सेल कर रहे हैं, तो कहाँ से उसका पीरियड लिया जाएगा? तो अगर मान लो कि एक डेट लेके चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए करते हैं, एक्स वाई जेड एक लिमिटेड कंपनी है जिसकी स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट में उसने कन्वर्ट कर दिया। कंपनी ने बोला कि ये हमारा स्टॉक इन ट्रेड नहीं है, हम इसको ट्रीट करेंगे एज एन कैपिटल एसेट। तो कब से क्या, मान लो कि उन्होंने 1 अप्रैल 2021 से उन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया, अब उसको, अब वो कैपिटल एसेट में बन गया। अब जब हम उसको सेल करेंगे, मान लो कि 1 अप्रैल 2021 में उसको कैपिटल एसेट में ट्रेड किया था और नेक्स्ट ईयर उसको 1 मई 2022 के अंदर उसको सेल कर दिया, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना आएगा? 1 अप्रैल 2021 से लेकर 1 मई 2022 तक का जो पीरियड होगा, तो उसमें फ्रॉम डेट ऑफ कन्वर्जन और ट्रीटमेंट एज ए कैपिटल शैल बी कंसिडर। फिर बाद में हम बात करते हैं शेयर ऑफ ए कंपनी, एक कंपनी एमलगमेटेड हो गई, एमलगमेशन और मर्जर के बारे में हम इस नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और जब शेयर्स ऑफ ए कंपनी एमलगमेट हो गई और एसएससी की प्रॉपर्टी बन गई, मान लो कि एसएससी ने एमलगमेटिंग कंपनी के अंदर कुछ शेयर्स थे एसएससी के, और जो कंपनी जब एमलगमेट हो गई, जब कंपनी एमलगमेट हो गई तो उसको किसी दूसरी अमलगमेटेड कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ शेयर्स मिलेंगे। आप जब वो शेयर्स मिलेंगे तो उसमें उस शेयर्स को सेल करना चाहेगा। तो दोस्तों, जो लिक्विड अमलगमेशन होने से पहले उसके पास कुछ शेयर थे उस किसी कंपनी में, अब उस कंपनी को अमलगमेट करके दूसरी कंपनी में उसको शेयर्स मिल गए, तो होल्डिंग पीरियड कहाँ से लिया जाएगा? होल्डिंग पीरियड लिया जाएगा जो कंपनी अमलगमेटिंग हो रही है, जो शुरू से जो कंपनी थी वहाँ से, और लास्ट तक लिया जाएगा जब तक उसको सेल किया जाएगा। बहुत ही जब से आपने परचेज किया, बाद में अमलगमेशन हुआ, लिक्विडेशन हुआ, जो कुछ भी हुआ, वो तो उसमें जब आपने परचेज कर लिया तो उस डेट से आपको मिलेगा। फिर कोई भी कैपिटल एसेट है, कोई भी कैपिटल एसेट है, शेयर है या कोई भी सिक्योरिटी है,
अगर एसएससी ने सब्सक्राइब किया उसको, किसके हिसाब से उसका राइट हो गया उसको सब्सक्राइब करने में, तो उसको जिस दिन से राइट मिला, पीरियड फ्रॉम डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सच शेयर शैल बी रिटर्न, तो जिस दिन उसको डेट ऑफ अलॉटमेंट हुआ, अगर मान लो सब्सक्राइब का राइट को रिनाउंस करता, तो उस दिन से ही हम डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सच पीरियड इसको कंसिडर करेंगे। तो ऐसे सिंपल है। देखो, होल्डिंग पीरियड के बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि लास्ट वीडियो में बताया था कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का कैसे पता चलेगा, होल्डिंग पीरियड के हिसाब से चलेगा। और लॉन्ग टर्म की टैक्स रेट अलग रहती है, शॉर्ट टर्म की टैक्स रेट अलग रहती है, तो होल्डिंग पीरियड के बारे में ये सब चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। इसी तरह अगर मान लो ये सब इसके हिसाब से ही है, कोई भी अगर वैन इंडियन कंपनी का कोई शेयर है, कोई भी इंडियन कंपनी का शेयर है, बींग रिजल्टिंग कंपनी डी टू डी मर्जर की वजह से एक रिजल्टिंग कंपनी बन जाती है, इंडियन कंपनी उसका शेयर है, वो एसएससी की प्रॉपर्टी बन जाती है, तो उसका होल्डिंग पीरियड कहाँ से लेंगे? तो उसका होल्डिंग पीरियड लेने के लिए पीरियड फॉर विच शेयर्स और हेल्ड बाय डीमर्ज कंपनी शैल बी इंक्लूडेड। तो डीमर्ज कंपनी में जो शेयर्स थे वो भी उसको इंक्लूड करने पड़ेंगे। जब एक ट्रेडिंग राइट है या क्लियरिंग राइट है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज का, कोई भी ट्रेडिंग राइट है, क्लियरिंग राइट है, वो डीम्यूचुअलाइजेशन और कॉर्पोरेटाइजेशन की वजह से उसको इंक्लूड किया जाता है, तो भी हम पर्सन को पीरियड फॉर विच पर्सन वॉज मेम्बर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इमीडिएटली प्रायर टू डी, तो स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर था जब हम एक स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में कुछ के पास ट्रेडिंग राइट होते हैं, क्लियरिंग राइट्स होते हैं, तो ये ट्रेडिंग राइट्स भी एक प्रकार के, जैसे मैंने बताया था एसेट कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में कुछ राइट्स हैं, इंटरेस्ट है, उसको भी हम कैपिटल एसेट ही मानते हैं। जब उस ट्रेडिंग राइट्स को कैपिटल क्लियरिंग राइट्स को डीम्यूचुअलाइजेशन हो गया, कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया, कई बार हम कंपनी को ऑर्गेनाइज करते हैं, कई बार डीम्यूचुअलाइज करते हैं, तो उसके अंदर अगर मान लो होल्डिंग पीरियड हमें काउंट करना है, क्योंकि ट्रेडिंग एसेट को डीम्यूचुअलाइजेशन करने पर ट्रांसफर होएगा, ट्रेडिंग क्लियरिंग राइट्स ट्रांसफर होंगे, तो उसमें कौन सा पीरियड कैलकुलेट किया जाएगा? तो उसमें भी वो पीरियड प्रायर टू डीम्यूचुअलाइजेशन और कॉर्पोरेटाइजेशन वो भी इंक्लूड किया जाएगा। इसी तरह ये इक्विटी शेयर्स का, इसी तरह यूनिट ट्रस्ट और बिजनेस ट्रस्ट है। अगर मान लो आपको यूनिट ट्रस्ट शेयर्स थे आपके पास, शेयर्स को कंपनी ने ट्रांसफर करके आपको यूनिट ट्रस्ट दे दिया, यूनिट दे दी एक बिजनेस ट्रस्ट की, चलो भाई आप शेयर्स आपके अभी नहीं रहे, आपको ये ट्रस्ट मिल गया, चलो बताओ होल्डिंग पीरियड कब से? भाई तब से मेरे पास, तो कंपनी ने बीच में ठीक है उनको कन्वर्ट कर दिया यूनिट में, बट जिस दिन से हमें शेयर्स अलॉट हुए थे उसी से तो हम अपना होल्डिंग पीरियड निकालेंगे ना, तो द शेयर्स हेल्ड बाय द एसएससी शैल बी इंक्लूडेड। अभी ऐसे इसी में जब कॉन्सोलिडेट्स के म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें व्हेन यूनिट बिकम प्रॉपर्टी, उनको यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो उसमें जो पीरियड होता है जिसमें कॉन्सोलिडेट्स के म्यूचुअल फंड में हेल्ड किए थे वो भी इंक्लूड किया जाएगा। तो सारे के सारे ऐसे ही है दोस्तों, जब से आपने उसको लिया तब से, तो आप एक बार जस्ट इसको रिवाइज कर लो, क्योंकि इसमें कुछ कंसेप्ट वाली बात है नहीं, ईजी सी चीज़ है। कब आपने उसको मिला, कब आपसे, जो भी स्पेशल केस आएंगे उसके बारे में हम धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे आगे आने वाले वीडियो में। फिर उसके बाद आती है ट्रांसफ़र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 47 हमें ट्रांसफ़र के बारे में बताता है, ट्रांसफ़र की डेफिनेशन के बारे में बताता है। तो ये एक कंडीशन जरूरी है जो क्लियर होनी चाहिए। तो कोई भी सेल करते हैं तो ट्रांसफ़र हो गया, मान लो कि हमारे पास एक पीस ऑफ लैंड है, हमने उसको सेल कर दिया और हमें कुछ पैसे मिले, तो उसको हम ट्रांसफ़र मान लेंगे। अगर मान लो हमारे पास एक पीस ऑफ लैंड है और हम उसको किसी दूसरे आदमी के पास भी एक पीस ऑफ लैंड है, उन दोनों को एक्सचेंज करते हैं, एक्सचेंज करने पर जो मिलेगा उसको भी हम ट्रांसफ़र मान लेंगे। रेलिंक्विशमेंट ऑफ द एसेट, कई बार क्या होता है कि देखो एक प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर मेरा राइट है, बट मैंने विलिंगली आफ्टर सम टाइम मैंने अपना राइट छोड़ दिया, वहाँ पे प्रॉपर्टी तो है बट मेरा राइट ख़त्म हो गया। तो जब जैसे बताया था कैपिटल एसेट में, अगर आपने राइट भी रिलिंक्विश कर दिया तो भी उसको हम एक कैपिटल एसेट की तरह तो होता ही है, उसको राइट को भी आपने ख़त्म कर दिया, तो एक ट्रांसफ़र कर दिया राइट को, आपके पास एक प्रॉपर्टी थी उसने अपना आपका अधिकार था और वो अधिकार ख़त्म कर दिया, राइट ख़त्म कर दिया, तो उसको भी ट्रांसफ़र की डेफिनेशन में माना जाता है। या उसका सेकंड क्या है, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट। अगर मान लो कोई लॉ या कोई अथॉरिटी फोर्सफुली आपके राइट को, देखो रेलिंक्विशमेंट और एक्सटिंग्विशमेंट में एक ही डिफरेंस है, जो बेसिक सा डिफरेंस है, रेलिंक्विशमेंट आप विलिंगली किसी राइट को फॉरगो करते हो, जाने देते हो, और एक्सटिंग्विशमेंट में कोई भी अथॉरिटी फोर्सफुली आपको बोलती है कि नहीं आपका राइट नहीं है, या कोई टर्म एंड कंडीशन है वो पूरी हो गई, उसको पूरी होने की वजह बाद आप अपने राइट्स को यूज़ नहीं कर सकते। और मान लो कि आपके एक एकड़ लैंड है, वहाँ से गवर्नमेंट ने रोड निकालना शुरू किया कि यहाँ पे सड़क बनेगी, तो सड़क बनेगी तो एक उसको एक्वी
एक्विजिशन करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अगर वो एक्विजिशन हुआ तो उसको भी ट्रांसफर माना जाएगा, उसके ऊपर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अगर मान लो कोई भी कैपिटल एसेट कन्वर्ट कर दिया ओनर ने स्टॉक इन ट्रेड में, कैपिटल एसेट्स थे उसके सब, तो उसने स्टॉक इन ट्रेड बना दिया। मान लो कि एक आदमी एक बहुत बड़ा जमींदार है, उसके पास बहुत सारे ट्रैक्टर है, उसके पास 10 ट्रैक्टर है, तो उसके सब कैपिटल एसेट है। बट वो बोला कि नहीं, अब मैं ट्रैक्टर की कंपनी खोलूँगा, मैं ट्रैक्टर्स को सेल और परचेज किया करूँगा, ठीक है। तो उस केस में जो उसके स्टॉक इन ट्रेड जो कैपिटल एसेट है वो स्टॉक इन ट्रेड बन गए, तो उसको भी कन्वर्ट करने को भी या ऐसे ट्रीट करने को भी हम ट्रांसफर मानेंगे। और कोई भी जीरो कूपन बॉन्ड है, मेच्योरिटी के टाइम पे जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में हमने पहले पढ़ लिया पहले की वीडियो में, किसी को समझ में नहीं आया तो फिर से देख सकते हो पहले का वीडियो। तो मेच्योरिटी के टाइम पे भी उसको हम ट्रांसफर माने जाएंगे। कोई भी इमोबल प्रॉपर्टी हमारे पास पोजिशन में है और कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट परफॉर्मेंस में कुछ भी एज पर सेक्शन 53, तो वो भी हम उसको ट्रांसफर मानते हैं। इसके अलावा देखो कई बार क्या होता है, मैं एक सिंपल सी चीज़ें बताता हूँ। जैसे आपने देखा होगा किसी शहर में बैंक कॉलोनी है, तो बैंक कॉलोनी में क्या होता है, मोस्टली बैंक के कुछ एम्प्लॉयज रहते हैं, वो गवर्नमेंट से अप्रोच करते हैं और कहते हैं कि हमें लैंड दे दो ताकि हम वहाँ पे अपना घर बना दें। तो एक कुछ मान लो कि 15-20 एकड़ की लैंड दे दे, तो वहाँ पे एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे बैंक वाले, और वहाँ पे सब लैंड में घर बनाना शुरू कर देंगे। बट आफ्टर सम टाइम आप देखोगे जब उस लैंड को बना दिया, घर बना दिया, अगर वो सेल करना चाहते हैं, तो जो सेल करने का राइट होता है उस लैंड का, वो तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास होता है। वहाँ पे तो सिर्फ एग्रीमेंट होता है कि इसमें ये एक पर्सन रह रहा है। अगर वो सेल करेगा तो कोई भी ट्रांजेक्शन, तो आपको मेंबर बनना पड़ेगा उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को, तभी आप उसको परचेज कर सकते हो। और मान लो कि मैं ऑलरेडी एक मेंबर हूँ और मैं अपना मेंबरशिप छोड़ रहा हूँ, क्यों छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो प्रॉपर्टी थी मैं किसी और को सेल कर रहा हूँ, तो उस ट्रांजेक्शन को भी ट्रांसफर माना जाएगा। तो दोस्तों ट्रांसफर के अंदर सब कुछ इंक्लूड होता है। जैसे कि ये बात ध्यान रखो, कोई भी ट्रांसफर के अंदर एक जनरल ये सब बताए जो हमने 6 तक डेफिनेशन पढ़ी, 6 तक ये पढ़ा कि क्या क्या ट्रांसफर में आता है, इसने ये क्लेरिफाई कर दिया, बाकी जहाँ पे भी डाउट हो। तो ट्रांसफर के अंदर सब कुछ इंक्लूडेड है, डिस्पोजिंग ऑफ एसेट को दूर करना, कोई इंटरेस्ट को दूर करना, अगर मान लो कोई इंटरेस्ट है आपके पास, कोई राइट है, या फिर क्रिएट किसी चीज़ में इंटरेस्ट क्रिएट करना। जैसे मान लो कि लैंड है, पीस ऑफ लैंड है, मेरा भी इंटरेस्ट है भाई उसमें, तो मेरा भी इंटरेस्ट है, तो एक आपके पास एक, अगर उस इंटरेस्ट को आप क्रिएट कर रहे हो तो किसी का इंटरेस्ट तो खत्म होगा, और जब आप उसको सेल कर रहे हो तो किसी भी मैनर में अगर आप कुछ भी ट्रांसफर कर रहे हो तो उस ट्रांसफर की डेफिनेशन आएगी। आपने कंडीशनली किया हो, ऑब्सोल्युटली करा हो, वॉलेंटरली करा हो, कैसे भी किया, एग्रीमेंट किया हो, कैसे भी आपने अगर इंटरेस्ट क्रिएट किया है या एक्सक्लूड किया है या डिस्पोज किया है या पार्ट ऑफ किया है, तो भी उस कंपनी को हम, उस ट्रांजेक्शन को हम क्या मान लेंगे, उस ट्रांजेक्शन को हम ट्रांसफर मान लेंगे। तो ट्रांसफर की डेफिनेशन बहुत ही वाइड है, बहुत ही सब्जेक्टिव है, ये सब बेसिक सी चीज़ें हैं। धीरे धीरे हम जैसे जैसे सेक्शन वाइज हमें ट्रांसफर की डेफिनेशन की यूज करने की जरूरत पड़ेगी, हम उसको यूज करते रहेंगे। उसके बाद आता है रेलिंक्विशमेंट। रेलिंक्विशमेंट का जस्ट मैंने बताया, जो पहले मैंने बताया था एक्सटिंग्विशमेंट और रेलिंक्विशमेंट। इसमें क्या होता है, जब आप अपने आप ही रेलिंक्विश कर देते हो अपने राइट को, अबेंडन कर देते हो अपने राइट को, वहाँ पे प्रॉपर्टी तो रहेगी बट आपका राइट नहीं रहेगा, तो उसको भी हम एक ट्रांसफर मान लेंगे। तो ये सब आज हमने होल्डिंग पीरियड के बारे में पढ़ा और ट्रांसफर के बारे में पढ़ा। इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ मुझे। तब तक आप अपना ध्यान रखो। कल हम आने वाले चैप्टर में जनरल प्रोविजंस जो इनकम टैक्स की कैपिटल गेन सेक्शन है, उसका बेसिक बेसिक चीज़ें हमने पढ़ी हैं, जो दो चीज़ें कैपिटल एसेट, होल्डिंग पीरियड, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और ट्रांसफ़र। अब उसके जनरल प्रोविजंस के बारे में पढ़ेंगे, कैसे टैक्स अप्लाई होता है, कैसे टैक्स अप्लाई नहीं होता, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, वो सब चीज़ें हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखो और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।